मुखासन, बायां पैर ऐसे मोड़ा पहले, और यदि शरीर थोड़ा पतला है तो एड़ी के ऊपर बैठ गए, थोड़ा भारी है तो पैर को ऐसे मोड़ के रखा और ऊपर वाले पैर को ऐसे मोड़ लिया, और जिनका शरीर थोड़ा ठीक है तो ऐसे ऊपर वाले पैर को भी ऐसे खींच के रखा, ऐसे हो गया ये स्थिति। और इस स्थिति में जितना हो सके बाएं पैर पर बैठ के ऊपर वाले पैर की बेड़ी को ऐसे पैर से लगा के रखा, इस तरह से सटा के रखे, फिर जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लिया, ऊपर वाला हाथ कान और सिर से लगा हुआ, पीछे वाला हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ के रखा। ये बहुत ज़रूरी है सर्वाइकल स्पलाटिस पेन के लिए, वर्टिगो के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हाइड्रोसील के लिए, बॉडी के बैलेंस के लिए। स्ट्रक्चरल बैलेंस एक बहुत बड़ा शब्द आता है, तो मैं आपसे बात कर रहा था सुबह उठ करके योगाभ्यास, दिन भर श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास। जीवन की एक मर्यादा होती है, संबंधों की एक मर्यादा होती है, व्यापार की एक मर्यादा होती है, व्यवहार की एक मर्यादा होती है, आहार विचार वाणी व्यवहार की एक मर्यादा है। इसी को मर्यादा कहो, इसको व्रत कहो, इसको अनुशासन कहो, इसको जीवन की रीति नीति कहो, जीवन के संस्कार कहो, एक ही बात है, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास। इसी को कर्तव्य अकर्तव्य कहो, धर्म अधर्म कहो, पाप पुण्य कहो, कि ये करना है ये नहीं करना, विधि निषेध मैं दो शब्दों में कहा करता हूँ कि ये करना है ये नहीं करना है। तो योगाभ्यास श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, विद्यार्थियों के लिए विद्याभ्यास और बड़ों के लिए स्वधर्म का अभ्यास, स्वकर्म का अभ्यास, निष्काम सेवा का अभ्यास, पुरुषार्थ का अभ्यास, 18 घंटा काम करने का, सेवा करने का अभ्यास। तीन चीज़ों से बचना है, प्रमाद, आत्मग्लानी और अनुत्पादकता। प्रमाद तो व्यक्ति को जीते जी मार देता है, इसलिए प्रमाद और मृत्यु, वो जीते जी मरे हुए जो अकर्मण्य है, इनएक्शन में, रोंग एक्शन में, रिएक्शन में जो रहते हैं, ये सब क्या है, ये प्रमाद की स्थिति है। प्रमाद नहीं करना, ऐसे एक मिनट तक एक तरफ से किया, वक्त कम है तो जो दोनों तरफ से किया जाता अभ्यास उसको आधा आधा मिनट कर लिया। ऐसे धैर्यपूर्वक